उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में प्रमुख चौराहे नीलगंगा पर करीब 2 दिन पहले मारपीट और विवाद हुआ था, जिसमें मोहित नाम का युवक घायल हुआ था। घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल उपचार के लिए भेजा और मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मारपीट के दौरान गोली चलने की सूचना नीलगंगा पुलिस को मिली थी और मारपीट करने वाले युवक जो फरार चल रहा था उसे बड़नगर रोड से गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। इसको लेके आया ये 2 दिन पूर्व थाना नीलगंगा क्षेत्र में कवेलू कारखाने के सामने एक युवक को गोली लगी थी और उसको यहाँ भर्ती कराया गया था, जिस पर से थाने पे अपराध पंजीबद्ध किया है। युवक ने बताया था कि वो अपने साथी शुभम के साथ वहाँ बैठ के शराब पी रहा था और उस दौरान शुभम ने मजाक में उस पर गोली चला। उसके बाद से हम इस युवक को, ये आरोपी जो शुभम है, इसको तलाश कर रहे थे। आज हमको खबर मिली कि ये धर्ममंडला के पास एक बंद फैक्ट्री के अंदर ये 2 दिन से छुपा हुआ है। तो आज सूचना पर हम लोग वहाँ गए थे और पुलिस को देख के ये युवक भागा और खदानों की तरफ भागा था और वहाँ पुलिस का पीछा करते हुए ये खाई में कूद गया था, जहाँ से ये घायल हुआ है, जिसको उपचार के लिए हम अस्पताल लाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।